BSS एनिमेशन प्रेजेंटिंग ड्रैगन राइडर। कहानी की शुरुआत में हमें इंसान और ड्रैगन को दिखाया गया है, जहाँ काफी सालों पहले इंसान और ड्रैगन मिलकर रहते हैं, लेकिन जल्द ही इंसानों ने दुनिया को कब्जाने के लालच में आकर ड्रैगन से युद्ध छेड़ दिया। एक शैतान साइंटिस्ट पेट्रोसीस ने एक ड्रैगन किलर मॉन्स्टर बनाया, जिसे सब नेटल ब्रांड कहते थे। उसने ड्रैगन्स को मारकर भगा तो दिया, लेकिन उससे खुद पेट्रोसीस भी नहीं बच पाया और ड्रैगन भी उस क्रिएचर के बारे में भूल गए जो अब भी इंसानों से छुपकर रह रहे हैं। आगे हमें एक ड्रैगन फायर ड्रेक को दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड सुरेल के साथ ड्रैगन मीटिंग में आता है। वहाँ उनका लीडर बॉटल नेक उनको वार्न करता है कि हमें इंसानों से छुपकर रहना होगा, इसलिए उन्हें उड़ना नहीं है और मुंह से आग नहीं निकालनी है। फायर ड्रेक इससे बहुत उदास होता है और सोरेल को कहता है कि मैं एक रियल ड्रैगन की तरह अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। जिसकी बात एक दिन एक बूढ़ा ड्रैगन उसे रिम ऑफ हेवन के बारे में बताता है, जहाँ पर अभी भी ड्रैगन्स फ्री लाइफ जीते हैं और वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। फायर ड्रेक इसको सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसको पता चलता है कि बूढ़े ड्रैगन को उसकी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। वो सोरेल को भी इस बारे में बताता है, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि इंसान उनके क्लैन के बहुत करीब आ गए हैं। वो ये सब बॉटल नेक को बताता है और वो सब कहते हैं कि हमें तब तक छुपना होगा जब तक वो यहाँ से चले ना जाएं। फायर ड्रेक उन्हें रिम ऑफ हेवन चलने का आइडिया देता है, लेकिन उसकी बात पर वहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं देता। सोरेल को भी लगता है कि इस जंगल के बाहर जाने में खतरा है। रात को सोरेल अपनी फैमिली को देखता है जो काफी परेशान लग रही थी। उनके पास भी छुपने की कोई सेफ जगह नहीं है। इधर फायर ड्रेक को भी नींद नहीं आती, इसलिए वो कुछ सोच के बाहर आता है। देखने पर पता चलता है कि वो रिम ऑफ हेवन को ढूंढने जा रहा है ताकि वो सब लोगों को बचा सके। तभी वो देखता है कि सोरेल भी वहाँ पर आ गई है, जो उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चलना चाहती है। फायर ड्रेक अपनी पहली उड़ान भरता है और देखते ही देखते वो बादलों में पहुँच जाते हैं। यहाँ एक प्लेन उनके साइड से होकर गुजरता है और तभी एक बहुत बड़े शहर को दिखाया जाता है। सोरेल उसे बताती है कि इंसानों के पास एक इंटरनेट नाम का जादूगर है, जिसे सभी सवालों के जवाब पता है और अगर वो उस तक पहुंच गए तो रिम ऑफ हेवन का रास्ता पता कर सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह ये काम इंसानों से छुपकर करना होगा। वो नीचे आते हैं, जहां सोरेल फायर ड्रेक को एक शेड में छुपाकर इंटरनेट को ढूंढने चली जाती है। इधर हम एक लड़के बेन को देखते हैं, जो अनाथ होने के साथ साथ एक शातिर चोर भी है। उसको पता चलता है कि शहर में एक ड्रैगन मूवी लगी है। बेन पुलिस से बचने के लिए वहाँ के एक फैन की ड्रेस चुराकर पहन लेता है और वापस अपने शेड में आ जाता है। ये वही शेड है जहाँ पर फायर ड्रेक छुपा हुआ है। अब बेन को लगता है कि शायद ये भी कोई मूवी का फैन है जिसने ड्रैगन की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, लेकिन जल्द ही वो ये समझ जाता है कि ये तो एक असली ड्रैगन है। फायर ड्रेक भी उस मूवी के पोस्टर को देखता है और उसको भी लगता है कि ये एक ड्रैगन राइडर है और वो उससे रिम ऑफ हेवन का रास्ता पूछ लेता है, जिसको बोलता देख बेन हैरान हो जाता है। तभी सोरेल वहाँ पर आती है, जो फायर ड्रेक से कहती है कि उसको इंसानों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। बेन की नजर बाहर पुलिस पर पड़ती है, जिनसे बचने के लिए वो झूठ बोल देता है कि वो उन्हें रिम ऑफ हेवन तक लेकर जाएगा। सोरेल के ना चाहते हुए भी फायर ड्रेक बेन को अपने साथ लेकर चला जाता है और पूरा शहर उनको उड़ते हुए देख लेता है। काफी दूर पहुंचने पर बेन को रियलाइज होता है कि ये ड्रैगन उसे काफी दूर ले जा रहा है। वो उसको तुरंत नीचे उतरने के लिए कहता है और कहता है कि वो तो बस एक आम लड़का है और उसे किसी भी रिम ऑफ हेवन के बारे में नहीं पता। ये कहकर वो चला जाता है। फायर ड्रेक उदास हो जाता है, लेकिन सोरेल उससे छुटकारा पाकर काफी खुश होती है। इधर बेन वापस जाते वक्त सोचता है कि कहीं ये सब सपना तो नहीं था। तभी उसको सामने से आते हुए तीन बौने दिखाई देते हैं। वो बौने भी ड्रैगन को देख लेते हैं और कहते हैं कि काफी समय से उन्होंने यहाँ पर कोई ड्रैगन नहीं देखा। तभी एक ग्रीवल नाम का बोना काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं फायर ड्रेक भी आकर बाकी बोनों से रिम ऑफ हेवन के बारे में पूछता है। वो उसको उगते हुए सूरज की तरफ जाने को कहते हैं और बताते हैं कि वहाँ बहुत सारा खजाना भी है। बेन भी छुपकर उनकी बातें सुन लेता है और खजाने के लालच में फिर से उन दोनों की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। सोरेल को पता है कि वो एक फ्रॉड है, लेकिन मासूम फायर ड्रेक फिर उस पर भरोसा कर लेता है। उधर हम उस बौने ग्रेवल को देखते हैं, जो सुनसान रास्ते में एक कैसल की तरफ जा रहा होता है। तभी पता चलता है कि ये कैसल उसी मॉन्स्टर नेटल ब्रेंड का है, जो ड्रैगन का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो यहाँ पर अपनी क्विक के साथ रहता है क्योंकि उसके पास अब और कोई काम नहीं है। तभी ग्रेवल आकर उसको ड्रैगन के बारे में बताता है और ये सुनकर मॉन्स्टर बहुत खुश होता है। वो तुरंत ग्रेवल को पहाड़ की तरफ ले जाता है, जहाँ उसको फायर ड्रेक दिखता है। उसके आने से धरती कांप जाती है। फायर ड्रेक समझ जाता है कि कोई खतरा आने वाला है,
इससे पहले कि नेटल ब्रांड उन तक पहुंच पाए वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो ट्विक को उनके पीछे भेजता है। आगे एक रेत के तूफान में फंसने से वो दोनों डेजर्ट में क्रैश हो जाते हैं। वो दोनों फायर ड्रेक को ढूंढते हैं जो एक खंडर में बेहोश होता है। तभी एक बड़ा सा चिकन उन पर हमला कर देता है। बेन तुरंत फायर ड्रेक को उठाता है और उसको आग इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके गले से तो सिर्फ कुछ चिंगारियां ही निकल रही हैं। चिकन उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक प्रोफेसर जिनका नाम बारना बसबस है उनको आकर बचा लेते हैं। वो प्रोफेसर फायर ड्रेक के बारे में पूछता है, जिस पर बेन उनको बताता है कि ये तो बस एक नकली ड्रैगन है जो जरा सी भी आग नहीं उगल सकता। और ये सुनकर फायर ड्रेक उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सोरेल के कहने पर वो फायर ड्रेक को मनाने चला जाता है। वहाँ पर फायर ड्रेक उसे बताता है कि कैसे आग न निकालने की वजह से बाकी के ड्रैगन्स भी उसका मजाक उड़ाते थे। और ये सुनकर बेन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसको यकीन दिलाता है कि किसी भी तरह वो उसको रिम ऑफ हेवन तक पहुंचा कर रहेगा। प्रोफेसर बार्नाबास उन्हें अपने कैंप लेकर आते हैं, जहां सबको पता चलता है कि वो ऐसे जानवर पर रिसर्च कर रहे हैं जो खत्म होने वाले हैं। वो बताते हैं कि उसने अपने फ्रेंड सुबिशा के साथ मिलकर ड्रैगन पर भी रिसर्च करी है, लेकिन कभी भी उन तक पहुंच नहीं पाया। रिम ऑफ हेवन के बारे में पूछने पर प्रोफेसर बार्नाबास उन्हें एक जिन के बारे में बताता है जो उन्हें किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। फिर एक मैप पर वो उन्हें जिन तक पहुंचने का रास्ता बताता है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि उस रास्ते तक पहुंचने के लिए बीच में उनका बहुत खतरनाक क्रिएचर से सामना होगा। इनकी बातों को छुपकर ट्विग सुन लेता है। ट्विग फोन पर नेटल ब्रांड को जिन के बारे में बताता है। वो भी ग्रेवल के साथ वहां के लिए निकल जाता है। अब रात के वक्त बेन के बैग से मिले एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। अब आगे प्रोफेसर बार्नाबास बेन को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि जब भी उसको जरूरत पड़े वो उसको कांटेक्ट कर सकता है। ट्विग भी चुपचाप बेन के बैग में छुप जाता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। अब वो प्रोफेसर बार्नाबास से मैप लेके जिनको ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में उनका सामना एक बहुत बड़े जायंट से होता है और एक सी मॉन्स्टर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह उनसे बचकर बड़ी घाटी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ एक बड़ा सा बर्ड सोरेल को पकड़ कर ले जाता है। बेन और फायर ड्रेक उसको बचाने जाते हैं। यहाँ हम पहली बार फायर ड्रेक को आग उगलते हुए देखते हैं जो नीले कलर की होती है, और वो सोरेल को बचा लेता है। तभी उन्हें वो वैली दिखती है जहाँ पर वो जिन रहता है। वो लोग नीचे आते हैं जहाँ पर वो एक पुरानी कार का हॉर्न बजाते हैं और उसको सुनकर जिन बाहर निकल आता है। वो उनसे सवाल पूछने को कहता है और ये भी कहता है कि अगर ये सवाल उसने पहले सुना होगा तो वो उनको मार डालेगा। अब बेन बड़ी चालाकी से उसको ट्रिक करता है और वो जिन उसके दिमाग में रिम ऑफ हेवन की लोकेशन को प्लांट कर देता है। लेकिन तभी सोरेल गलती से उससे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछ लेती है और ये सवाल सुनकर जिन उन पर अटैक कर देता है। फायर ड्रेक उसे अपनी आग से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वहाँ उसके मुंह से सिर्फ चिंगारियां ही निकलती हैं। इससे पहले कि जिन उनको मार पाए, नेटल ब्रांड वहाँ पर आ जाता है और जिन से लड़ने लगता है, क्योंकि ड्रैगन सिर्फ उसका शिकार है। अब फायर ड्रेक सोरेल को बताता है कि उसकी आग तभी काम करती है जब बेन उस पर बैठा हो। तभी वो दोनों देखते हैं कि बेन तो उन दोनों मॉन्स्टर्स के बीच में फंसा हुआ था। वो दोनों उसे वहाँ से बचाकर निकल जाते हैं। सोरेल उसको बताती है कि वो लोग इंडिया के पास है और अब उनको प्रोफेसर बार्नाबास के दोस्त सुबिशा से मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सभी ड्रैगन्स फायर ड्रेक और सोरेल को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। तब एक ड्रैगन उनको बताता है कि शायद इंसानों ने उनको पकड़ लिया है। ये सुनकर बॉटलनेक उन्हें लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। इधर वो तीनों इंडिया पहुंचते हैं, जहां पर इंडिया के लोग बेन को एक देवता समझकर उनकी पूजा करते हैं, और एक दीपक नाम का आदमी उन्हें अपनी वाइफ सुबिशा से मिलवाता है। फायर ड्रेक उनसे रिम ऑफ हेवन के बारे में पूछता है और वो उन तीनों को एक टेंपल में ले जाती है, जहां पर सुबिशा बताती है कि ये ड्रैगन राइडर वारिन का टेंपल है जिसने पहली बार ड्रैगन की सवारी की थी। फिर एक दिन एक मॉन्स्टर ने ड्रैगन्स को मारना शुरू कर दिया और वारिन ने उन्हें बचाने के लिए रिम ऑफ हेवन में सील कर दिया। उसने बाकी ड्रैगन्स को भी ढूंढना चाहा, लेकिन उस मॉन्स्टर ने वारिन को मार के रिम ऑफ हेवन की चाबी चुरा ली। उसके बाद से कोई नहीं जानता कि वो जगह कहां पर है। तभी फायर ड्रेक देखता है कि दीवार पर उसी मॉन्स्टर की तस्वीर लगी है जिससे जिन की लड़ाई हुई थी। सुबिशा इन लोगों को बताती है कि ये नेटल ब्रांड है, और उसका नाम सुनते ही बेन को अपने बैग से चीखने की आवाज आती है। बैग को चेक करने पर उन्हें ट्विग मिलता है,
सॉरेल उसको मारने लगती है, लेकिन ट्विग उससे रहम की भीख मांगता है और कहता है कि वो इनकी मदद कर सकता है। तभी वो फोन पर नेटल ब्रांड को रिम ऑफ हेवन की गलत लोकेशन बताता है, लेकिन तभी दीपक लड़खड़ाकर उस पर एक बोल गिरा देता है और फोन नीचे गिर जाता है, जिससे नेटल ब्रांड को पता चल जाता है कि वो लोग इंडिया में है। वो समझ जाते हैं कि जल्द ही उन्हें यहाँ से निकलकर रिम ऑफ हेवन पहुँचना होगा। उधर नेटल ब्रांड भी ग्रेवल के साथ वहाँ पहुँच जाता है और रेवन को आवाज देता है। सुभेशा अपने मंत्रों से बेन के माइंड को एक्टिव करती है, जिससे जिन की दी हुई लोकेशन से वो पता लगा सके। तभी वो बताती है कि ये जगह हिमालय की पहाड़ियों के बीच में है। वो एक मैप पर निशान लगाती है। इतने में नेटल ब्रांड का रेवन उस मैप को छीन कर ले जाता है और ये सब उसको रोक नहीं पाते। इन सब के बाद सुभिषा बहन से कहती है कि अब उसको ही सबको वहां लेकर जाना होगा, क्योंकि वो एक स्पेशल लड़का है। ट्विक भी उनके साथ आने की जिद करता है, जिस पर वो लोग उसको भी अपने साथ लेकर हिमालय की ओर निकल जाते हैं। जल्द ही उनको वो पीक दिखती है और वो उसके अंदर बनी गुफा में चले जाते हैं। इधर मैप की मदद से नेटल ब्रांड उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर गुफा में अचानक से बेन की आंखें बदल जाती है और वो फायर ड्रेक को डायरेक्शन देने लगता है। अब नेटल ब्रांड भी वहां पहुंच जाता है और उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। वो किसी तरह उससे बचकर वहां से बाहर आते हैं और उनको लगता है कि शायद वो बच गए, लेकिन तभी एक दीवार तोड़कर नेटल ब्रांड उन पर हमला कर देता है, लेकिन उड़ ना पाने की वजह से वो नीचे खाई में गिर जाता है। अब बेन के गाइडेंस से वो रिम ऑफ हेवन आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि यहां सब खाली है, जहां पर बस कुछ पेंटिंग्स बची हैं। बेन को बहुत गुस्सा आता है और वो ये कहकर चला जाता है कि बस ये एक बकवास कहानी थी। जहां बाहर उसको नेटल ब्रांड दिखाई देता है, जो रिम ऑफ हेवन की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी नजर वहां पड़े गोल्ड पर पड़ जाती है, जिस पर वो सोचता है कि भविष्यवाणी सच थी। इधर नेटल ब्रांड दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, जिससे एक लेवल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। फायर ड्रेक सोरेल को कहता है कि अब वो नहीं भागेगा, जिस पर फायर ड्रेक नेटल ब्रांड से लड़ने के लिए उसके सामने आता है। उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, तभी बेन वहां पर पहुंच जाता है। फायर ड्रेक उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। नेटल ब्रांड उसके साथ साथ बेन को भी पकड़ लेता है। ट्विक उसे फोन के थ्रू डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर बेन फायर ड्रेक को समझाता है कि वो उसके बिना भी आग छोड़ सकता है, लेकिन उसको इस पर यकीन नहीं होता। तब बेन उसको सच्चाई बताता है कि कैसे वो ड्रैगन राइडर नहीं एक आम लड़का है, वो सिर्फ खजाने के लालच में यहाँ पर आया था। नेटल ब्रांड उसकी बातों से तंग आकर उसको खाने लगता है, लेकिन तभी फायर ड्रेक अपनी पूरी ताकत लगाता है, जिससे उसके मुंह से बहुत तेज आग निकलती है, जो देखते ही देखते नेटल ब्रांड को पिघला देती है। ट्विक उसको फाइनली मरा हुआ देखकर बहुत खुश होता है। तभी सोरेल को वहां पर एक लॉकेट पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो सामने दीवार पर बने उस निशान जैसा है। वो जैसे ही उस लॉकेट को उस दीवार पर लगाती है, तभी एक स्टैच्यू घूमता है, जिससे एक दरवाजा खुलता है, जहां वो अंदर जाकर देखते हैं, जहां पर उन्हें रिम ऑफ हेवन दिखता है। वहां पर बहुत सारे ड्रैगन उड़ रहे होते हैं। वहीं उनको मून फ्लावर भी दिखाई देता है, जिसके बारे में उसके क्लैन के लोग बातें करते थे। बेन भी उनसे माफी मांगता है और बताता है कि अब वो प्रोफेसर बार्नाबास के साथ रहकर उनकी मदद करेगा, और ट्विक को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला है। फायर ड्रेक उनको लेकर वापस अपने क्लैन की तरफ आ जाता है। इधर हम बॉटलनेक को देखते हैं, जो इंसानों पर हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर सोरेल और फायर ड्रेक आ जाते हैं, जो उनको बताते हैं कि उन्होंने रिम ऑफ हेवन को ढूंढ लिया है। वो उन्हें विश्वास दिलाने के लिए मून फ्लावर दिखाते हैं और बॉटलनेक सबकी जान बचाने के लिए इन दोनों को शुक्रिया बोलता है। आगे हम देखते हैं कि सभी ड्रैगन्स रिम ऑफ हेवन की तरफ जा रहे होते हैं, और वहां पर वो बेन और ट्विक को देखते हैं, जो प्रोफेसर बार्नाबास के क्रिएचर का ध्यान रख रहे हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एनिमेटेड मूवीज पसंद आ रही होंगी। बाकी बस अभी तो शुरुआत है, क्योंकि आगे तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट आना बाकी है। पर फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।